Welcome friends, in today's lecture we will see how to calculate plumb concrete. अभी आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो plumb concrete आपको अगर निकालना है, plumb concrete तो irregular shape में भरना होगा। अगर मान लीजिए ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे एक length है, आपको ये इसमें plumb concrete करना है। आपकी length 10 meter है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये mm में है unit, इसीलिए 10,000 कन्वर्ट करेंगे तो 10 मीटर, 10 मीटर लेंथ है। उसके बाद इसकी थिकनेस है 2.5, मैंने 2.5 ली, यहाँ पे देख सकते हैं आप 2.5 इसकी टेप है, थिकनेस है। और इसकी जो विड्थ है वो अलग अलग है। ये देखिए आप यहाँ पे, मतलब ये कॉर्ड्स डाले हुए हैं, तो ये कॉर्ड्स यहाँ पे इस 10 मीटर ये फिक्स है, इस विड्थ यहाँ से 2.5 है, फिर यहाँ से 3 मीटर है, फिर यहाँ से 1.798 मीटर है, उसके बाद यहाँ पे 4 मीटर है, यहाँ पे 3.5 मीटर है, तो अलग अलग है। और ऐसा ये नीला दिख रहा है आपको, ये ऐसा राउंड शेप है। तो आपको अगर इसकी कंक्रीट की क्वांटिटी निकालने हैं तो कैसे निकाल पाएंगे? तो आपको यहाँ से कॉर्ड्स दिए गए हैं ऑन साइट, आपने देखा, जाके चेक किया कि यहाँ से 10 मीटर ये फिक्स है, यहाँ से आपको ये कॉर्ड्स ऐसे है कि आपको ये इतना इतना कॉर्ड है, तो ऐसे आपको ऐसा शेप बन रहा है कंक्रीट का, तो ऐसे आपका कंक्रीट की क्वांटिटी निकालनी है। तो आपको कुछ करना नहीं है, ज़्यादा सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं। ये कंक्रीट की क्वांटिटी है, मैं यहाँ पे मैंने निकाल के रखी है 74 क्यूबिक मीटर। तो देखते हैं कैसे निकालना है। सिंपल है, आपकी लेंथ और डेप्थ तो चेंज नहीं होगी, लेंथ आपकी है 10 मीटर और आपकी विड्थ, मतलब सॉरी डेप्थ है वो 2.5 मीटर, ये तो चेंज नहीं होगी। आपका ये विड्थ है, विड्थ वेरीफाई मतलब कॉर्ड्स में बटा हुआ है, ये अलग अलग है। तो आपको इसको ऐड करना है, पांच जो आपकी कॉर्ड्स है 2.5, 3, 1.798, 4, 3.5, इन सभी को आपको ऐड कर देना है। ये देखिए आपको यहाँ पे एवरेज दिख रहा है, ये मैंने ऐड किया है, इन सबका एवरेज किया है और उसको 5 से, मतलब ये 5 कॉर्ड इसलिए ऐड किया और उसको 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये मेरा आ गया 2.95। उसके बाद मैं क्वांटिटी निकाली, सिंपल क्वांटिटी कैसे निकालना है, आपकी लेंथ है और डेप्थ है तो वो तो पहले से ही फिक्स है, आपको सिर्फ विड्थ का प्रॉब्लम था, विड्थ को मैंने निकाल दिया एवरेज में, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये लेंथ हो गई, ये यहाँ पे एवरेज विड्थ हो गई और ये डेप्थ थिकनेस हो गई। तो आपको एंटर करने के बाद आपकी क्वांटिटी मिल जाएगी 73.99, मतलब 74 क्यूबिक मीटर आपकी है कंक्रीट की क्वांटिटी आपको निकल के आ गई यहाँ पे। तो जब कभी भी आप साइट पे जाएंगे तो ऐसे चेक कीजिए, ऐसे कॉर्ड्स डालिए और उसके बाद ही आपको कंक्रीट की क्वांटिटी मिल जाएगी लमसम अमाउंट में, मतलब अप्रोक्सीमेट, ये एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है लेकिन आपको 90 to 95% जो भी आपकी कंक्रीट की क्वांटिटी है वो नियर बाय मिलेगी। क्योंकि जो आप इस साइट पे जा रहे हैं, मतलब किधर किधर यहाँ पे आप उस साइट पे जो लोकेशन है आपका कंक्रीट का, वहाँ पे आप ठीक तरह से पहुँच नहीं पाएंगे या फिर मेजर नहीं कर पाएंगे, तब आपको ऐसे ही मेजरमेंट्स मिलेंगे, ऐसे ही हमें से मेजरमेंट्स का यूज करके आपको फाइनल क्वांटिटी निकालनी पड़ती है। तो नियर बाय आपको 74 क्यूबिक मीटर क्वांटिटी मिल गई। तो यहाँ पे मैंने कॉर्ड्स डाला है ऑटोकैड में, ऐसा सब प्लान साइट पे जाके बनाया था ड्राइंग, और फिर ऑटोकैड में डाल के मैंने एक्सेल में डाल के यहाँ पे कंक्रीट की क्वांटिटी निकाल ली। तो आपको भी ऐसे ही निकालना है। अगर कोई आपको डाउट हो या फिर आपको अगर पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हैं। सबसे बढ़िया और इंटरेस्टिंग आगे आगे वीडियो में डालने वाला हूँ, तो बने रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।